हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन टेल्स जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड इज नोन बाय क्रॉसिंग एंड द ऑप्शंस आर ए एफ टू प्रोजेनी विद फीमेल पेरेंट, बी एफ वन विद एफ वन, सी क्रॉसिंग एफ वन विद रिसेसिव पेरेंट एंड डी एफ टू विद रिसेसिव पेरेंट। सो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर टेस्ट क्रॉस। अब ये जो टेस्ट क्रॉस होता है इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। टेस्ट मतलब हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस एक ऐसी क्रॉस होती है जहां पे वी टेस्ट द और वी आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड। यानी कि इफ वी हैव अ हाइब्रिड एंड वी वांट टू नो द जीनोटाइप कि उसका जीनोटाइप क्या है, तो हम वहां पे टेस्ट क्रॉस को यूज करते हैं। टेस्ट क्रॉस में व्हाट वी डू, हम करते क्या है, हम यहाँ पे एक जो हमारा एफ वन का मेंबर होता है F1 को हम क्रॉस कराते हैं विद रिसेसिव पेरेंट। हम F1 प्रोजेनी में से कोई भी एक मेंबर लेंगे और उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ हम क्रॉस कराएंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेनी इज ऑब्जर्व, ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी कि हमारी प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या आया, उसके बेसिस पे वी कैन इजिली प्रिडिक्ट कि हमारा जो हाइब्रिड है इधर इट इज हेट्रोजाइगोट, वो हेट्रोजाइगोट है, और इधर इट इज योर होमोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है। अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे सो इट विल बी मोर क्लियर। देखिए सपोज दैट मेरे पास एक हाइब्रिड है, ऑलराइट, और इसमें ये सपोज करिए टॉल है। मैं अगर हाइट का कैरेक्टर लेता हूँ, अब टॉल के लिए भी नो दैट कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इधर इट कैन बी कैपिटल टी कैपिटल टी और इट कैन बी आल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखने से तो ये टॉल है लेकिन विद नेकेड आई विदाउट एनी क्रॉस मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसके जीनोटाइप क्या है। कैपिटल टी कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में ही फिनोटाइप टॉल आता है। अब मुझे पता करना है कि इस हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या है, तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं इसको क्रॉस करा दूंगा विद रिसेसिव पेरेंट। अब यहाँ पे जो रिसेसिव पेरेंट क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो चलिए दोनों कंडीशंस में यहाँ पे लेके चलता हूँ। एक बारी मैं मान के चलता हूँ कि ये कैपिटल टी है और इसको मैं क्रॉस करा देता हूँ विद रिसेसिव पेरेंट। तो यहाँ पे गैमिट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे जो गैमिट होंगे वो कैपिटल टी प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे जो गैमिट होगा वो स्मॉल टी प्रोड्यूस होगा, एंड फाइनली यहाँ पे जो एफ वन आएगी वो आएगी मेरी ये, और यहाँ पे ये जो F1 आएगी जब इसका फिनोटाइप क्या होगा, टोल। ऑलराइट, ऑल विल बी टोल, सारे के सारे क्या होंगे, टोल होंगे, 100% प्रोजेनी विल बी टोल। दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं। सपोज करिए जो मेरा हाइब्रिड था वो मेरा क्या था, इस जीनोटाइप का था, दैट इज हेट्रोजाइगोट था, और मैं इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराऊंगा, तो यहाँ पे दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे जबकि यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे जो F1 प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, लाइक दिस। सो यू कैन सी दैट कि 50% मेरे टॉल हैं यहाँ पे प्रोजेनी एंड 50% यहाँ पे ड्वार्फ होंगी। सो अब ये तो मैंने क्रॉस लगा के देख लिया लेकिन मैं तो फिनोटाइप ही देख पाऊंगा ना, तो अगर मेरे हाइब्रिड को अगर मैं रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराता हूं और उसके बाद सारी प्रोजेनी टोल आती है तो मेरा हाइब्रिड कैसा होगा, मेरा हाइब्रिड होगा होमोजाइगोट डोमिनेंट। ऑलराइट, अगर मेरा सारा प्रोजेनी में से 50% टोल आ रहा है और मेरी 50% ड्वार्फ देखने को मिल रही है तो ऑटोमेटिकली मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा कि मेरा जो हाइब्रिड है उसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगोट कंडीशन का होगा, बिकॉज अगर होमोजाइगस होता तो सारे के सारे टोल प्रोजेनीज ही मुझे F1 में मिलते, और अगर मेरा वो हेट्रोजाइगोट है तभी मुझे 50% टोल मिलेंगे, 50% ड्वार्फ मिलेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई और प्रिडिक्ट कि मेरा हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या है। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ योर टेस्ट क्रॉस। सो लेट्स सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा इट विल बी सी, that is crossing F1 with a recessive parent. So let's write the final answer. Correct option will be C. I hope you understood the concept of the test cross. Thank you.